बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं और सैलरी इनकम को अब हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, और कल हमने बात की थी रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, कुछ और रिटायरमेंट बेनिफिट का जिक्र हो रहा था, लेकिन उनके जिक्र के बाद हम चले गए थे मेनली प्रोविडेंट फंड के ऊपर। उससे पहले हमने पेंशन, ग्रेजुटी और इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया था, और फिर हमने प्रोविडेंट फंड को इनकॉर्पोरेट किया। प्रोविडेंट फंड के ऊपर हमने बात की कि यार प्रोविडेंट फंड जो है, जब हम किसी भी फंड की डिस्कशन कर रहे होंगे तो फंड जो है उसके अंदर चार बातों की डिस्कशन हो रही है इन टोटल। एक्चुअली द वन इज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जो पैसे फंड में लगाए हैं, जो उसकी सैलरी से हमने काटे हैं और बाकी की सैलरी हमने उसको पे की है, ऐसा ही हुआ ना। इसका स्टेटस क्या है? तो पता चला यार ये एक टैक्सेबल एक्टिविटी है, सीधी सीधी, इसका कोई स्टेटस चेक करने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये ऑलरेडी जो बेसिक सैलरी है, मंथली सैलरी है, उसमें से अमाउंट कटी है, तो हम जो उसको दे रहे हैं वो नहीं शामिल कर रहे, बल्कि ग्रॉस अमाउंट शामिल कर रहे हैं, तो ऑलरेडी टैक्स हो गई है। एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके ऊपर बात हुई कि एम्प्लॉयर को हम एक लिमिट तक अलाउ कर देंगे कि अगर वो इतने पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुए तो फिर उसको रिमेनिंग को, ओवर एंड अबव को क्या कर लेंगे, टैक्स कर लेंगे। इसी तरह इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट की भी एक लिमिट डिफाइन कर लेंगे। अगर उस लिमिट से ज्यादा होगा तो साथ साथ ऐड करते जाएंगे, हर साल की इनकम में ऐड कर लेंगे। अब क्योंकि हमने इस पर भी टैक्स ले लिया, अगर इस पर तो लिया ही लिया, इस पर टैक्स ले लिया अगर बनता है तो, इस पर टैक्स ले लिया अगर बनता है तो, फिर जब पेमेंट होएगी उस वक्त टैक्स लेने की ज़रूरत कोई नहीं है ऑब्वियसली। चार इश्यूज, चार इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। फिर हमने कहा नहीं यार फंड्स की टाइप कितनी है, तो पता चला फंड इट्सेल्फ तीन टाइप के हैं, ठीक है ना। फंड्स इट्सेल्फ तीन टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप के फंड हैं? गवर्नमेंट फंड और रिकॉग्नाइज एंड अनरिकॉग्नाइज। फिर अच्छा यार इन्हें तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट वाले लोग तो वैसे ही शहजाद हैं, उन पे तो टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जितने मर्जी पैसे डाल दे, उसकी कोई लिमिट कोई नहीं है, एग्जेम्प्ट है। इसी तरह गवर्नमेंट जितना मर्जी इंटरेस्ट दे दे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एग्जेम्प्ट है। और अगर इन पे कोई टैक्स लगना था लग गया, एग्जेम्प्ट होना था एग्जेम्प्ट हो गया, तो इसका मतलब है जब पैसे मिल रहे हैं वो तो कोई टैक्सेशन कोई नहीं है। ये सादा सी ट्रीटमेंट एक हमारे पास आ रही है। इस पर टैक्स लगा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर, इस पर टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी तो टैक्स हो ही हो रही है ना, वो तो कहीं एग्जेम्प्ट नहीं थी, पॉइंट नंबर वन तो कोई एक्सेप्शन नहीं थी उसमें। लेकिन गवर्नमेंट का एज एन एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन आई है उसमें एग्जेम्पशन मिल गई है, इंटरेस्ट की लिमिट कोई नहीं है, ठीक होगी ना बात। लेकिन साथ ही आ गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमने कहा जी एम्प्लॉय ये तो टैक्स हो ही रहा है, नो ट्रीटमेंट। एम्प्लॉयर की लिमिट लगा दी है, लिमिट क्या लगा दी है, 1.5 लाख रुपया या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस। वो कहता है भाई इतने पैसे आप डाल सकते हो, कितने, इनमें से लोअर, विच एवर इज लोअर। इसका एक मतलब ये भी हुआ कोई एम्प्लॉयर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख ही डाल सकता है, यानी वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी ज्यादा है, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख मंथली सैलरी है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी साल की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1.5 लाख हो सकती है। इससे ऊपर के सारे पैसे टैक्स हो जाएंगे, ठीक होगी ना बात। जो छोटे एम्प्लॉयज हैं, कम सैलरीज वाले, उनके 1/10 तक भी जा सकती है फिगर, बट विच एवर इज लोअर। इसी तरह जब पैसे इकट्ठे हुए, अब अगर सैलरी ज्यादा है तो पैसे और एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन ज्यादा हो गई है, तो हो सकता है फंड में अब 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया हो, तो वहां भी एक लिमिट लगा दी है कि यार कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। वो कहता है भाई 16% बैलेंस के ऊपर 16% एक अमाउंट है, और दूसरा है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, लेकिन इस दफा विच एवर इज हायर। बैलेंस पर कितना, 16%, इसका मतलब है हमें बैलेंस या गिवन होगा
या हम कैलकुलेट कर सकते होंगे, ठीक है ना, या गिवन होगा या कैलकुलेट कर सकते होंगे। बैलेंस कैलकुलेट कैसे हो सकता है? अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो डिवाइड करेंगे तो बैलेंस निकल आया करेगा। अगर आपने इस अमाउंट से एक्सीड किया तो एक्सेस अमाउंट विल बी चार्ज इन एनुअल सैलरी, साथ साथ चार्ज होता जाएगा। ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। अब अगर रिटायरमेंट के टाइम पर कोई अमाउंट मिल रही है तो ऑब्वियसली वो टैक्स तो नहीं होगी फिर। क्लियर होगी बात जी? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। फिर आ गया अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज का मतलब है हमने खुद ही बना लिया, अन अप्रूव्ड, अप्रूवल नहीं लिया। अब एफबीआर को तो पता ही नहीं कि हम कोई फंड मेंटेन कर रहे हैं। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक ही तरह, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो कहते हैं नो ट्रीटमेंट। क्यों नो ट्रीटमेंट? हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं इंटरेस्ट, कहते हैं नो ट्रीटमेंट। करने दे, जो कर रहे हैं बिस्मिल्ला करते रहे। करें जब हम पैसे लेंगे ना उस वक्त इसे टैक्स लगा लेंगे। जब एम्प्लॉई को ये पैसे मिलेंगे उस वक्त टैक्स लगा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त किस पे टैक्स लगा देंगे? जिस पे नहीं लगा हुआ। जब पैसे मिलेंगे तो ये तो तीनों चीजें इकट्ठी होकर मिल रही होंगी ना। उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन भी होगी, मेरे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी होगी, इंटरेस्ट भी होगा। मेरी कंट्रीब्यूशन पे तो टैक्स लग गया हुआ। इसका मतलब है कुछ और भी करना पड़ेगा। जितनी अमाउंट मिली है माइनस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एक आदमी को 80 लाख रुपया मिला है और वो कहता है कि यार 30 लाख तो मेरा ही कटा हुआ था, तो 30 माइनस कर देंगे, बाकी 50 लाख जो है वो क्या है? या एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट है। ये दो चीजें टैक्स नहीं हुई थी, इस पर टैक्स लग जाएगा। कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं। अनरिकॉग्नाइज होने का नुकसान, कोई लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं बची। ऐसी है ना। अब कोई लंबी चौड़ी कहानी, तीन फंड आ गए हैं, तीनों की हमें बात समझ आ जानी चाहिए। और एक बात समझनी है, कौन सी फंड की अगर एग्जामिनर बात करेगा तो कैसे कर रहा होगा। वैसे तो कुछ भी कर दे एग्जामिनर बात, सीख तो हमने लिया। हमने कहा अगर फर्ज करें अनरिकॉग्नाइज फंड का क्वेश्चन आए तो वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आने का जवाब नहीं है, क्योंकि नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट से कहां एग्जामिनर ने आपको नंबर देने। आने को भले आ भी जाए लेकिन बाई डिफॉल्ट नजर क्या आता है? अगर अनरिकॉग्नाइज होगा ना तो वो ये वाले साल की बात कर रहा होगा कि जनाब इस बंदे को 80 लाख रुपया मिला है एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से और 30 लाख इसने खुद दिया हुआ था। अब तो कोई ट्रीटमेंट समझ आ रही है ना। एग्जामिनर ने तो मार्क्स किसको एलोकेट करने है? किसी ट्रीटमेंट को एलोकेट करने है। और अगर सवाल आना है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का तो फिर इस साल का नहीं आना क्योंकि यहां कुछ नहीं करना, फिर दरमियान वाले का आ रहा होगा। बाई डिफॉल्ट एक नेचुरल फ्लो सवाल का ये होना चाहिए, होने को एग्जामिनर जो मर्जी पूछ ले। फिर कल हमने ये ऐसे प्रैक्टिस भी कर ली थी कुछ, आज हम इसको थोड़ा सा जरा ड्यूरिंग द ईयर और वो वाली बात को एक्सप्लोर करने के लिए एक सवाल यहां मैंने बना रखा है, ये इसको सॉल्व करते हैं। निकालें जी कॉपी, अब मेंटली जरा उस मोड में आ जाएं कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ें जरा सवाल को, रीड भी कर लें। जी जनाब, मिस्टर कामरान गॉट रिटायर्ड ऑन 31st March 2020 एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। उसने डेटा में 2018 का भी प्रोवाइड किया है, 19 का भी प्रोवाइड किया है और 20 का भी प्रोवाइड किया। वो कह रहा है बेसिक सैलरी, अब हम यहां से रीड कर रहे हैं 2018 से,
बेसिक सैलरी थी 70,000 पर मंथ, फिर इंक्रीमेंट लग के हो गई 80,000 और फिर हो गई 90,000। डियरनेस अलाउंस 10,000, 15,000, 20,000। डाटा रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये साल की गिवन है, ठीक है ना। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सेम अमाउंट। अच्छा, इसका सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई फर्क भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, इंटरेस्ट जितना उस साल कमाया है वो भी गिवन है, और जिस रेट पर कमा रहे हैं वो भी गिवन है। ठीक होगी ना बात। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम अज्यूमिंग ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी वेयर प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड एंड ही हैज रिसीव्ड द होल अमाउंट फ्रॉम फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सारा सवाल आ गया, ड्यूरिंग द फंड वाला सवाल भी आ गया और एंड द फंड वाला सवाल भी आ गया, ताकि कंप्रीहेंसिवली हम बात कर लें। बात समझ आ रही है ना। तो पहले सॉल्व करते हैं 2018 को, करें जनाब। बेसिक सैलरी बनाए, शाबाश। को सिर्फ अभी आपने सॉल्व करना है। कॉपी 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 की तरह तुम्हारी इतनी बड़ी कॉपी ले आया हूं, को अपने साइज के मुताबिक कॉपी रखो। यहाँ है, हाँ भाई, वो तो अब लिखना शुरू करे, इतनी देर से क्या कर रहे तुम, हैं? खाली काली शर्ट पहनने से बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़े बन जाता है, वो तो बनने के बाद पहननी होती है, हैं? मैंने अभी एडमिशन लिया टैक्स। अभी एडमिशन लिया? हाँ, वेट करवाने में। ठीक हो गया, लेकिन ये तो थोड़ा, चलो अच्छा है, अभी सैटरडे इस दफ़ा क्लास नहीं होगी, स्पोर्ट कॉल आ रहा है, ये 2-3 दिन लगा के ना लेक्चर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि कहाँ कौन से चैप्टर। यार इसको ज़रा पकड़ना है अपने बच्चे, इसको गाइड करना है, इसने चलना है। तुमने अभी एडमिशन लेना है? हाँ, हैं हाइब्रिड वाली ऑप्शन आपके पास आएगी फिर। हाँ भाई, वो किधर लिख रहे हो भाई साहब, और सवाल तुम इतने करते हो, जब तुम्हारी बारी आई है तो तुम लिख भी नहीं रहे हो। है, मेरे से तो तुम सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हो, मैं अभी लिखना भी नहीं शुरू किया है। कौन सी मीटिंग में जाना है? नहीं अभी बैठ के 2 मिनट। उन्हें बताया कि क्लास के टाइम पे आपको, उन्होंने क्लास आपने को नहीं, क्योंकि अपडेट होना है ना, तो करो शाबाश, लिखना शुरू करो। हैं, क्या कहाँ लिखा है? नहीं, ये तो कुछ और बात आ रही है, ये सैलरी की डेफिनेशन नहीं है, ये तो कुछ कहीं और लिखी हुई बात है। जहाँ सैलरी पेड वाली बात है वो तो सब सेक्शन 1 की हो रही है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ कि पेड बेस, ये तो सैलरी को लिखा हुआ उसने, ठीक है ना। ये तो हमारे पास भी ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक है ना, ये मैं समझ गया हूँ बात जो तुम। हाँ, ये सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर, वो ये वाली बात हो रही है। हाँ, नहीं वो नहीं है ना, वो कुछ और लिखा, वो उसको छोड़ दे, वो कुछ और लिखा, मैं समझाता हूँ बात। हाँ भाई,
जी बच्चे हो रहा है सॉल्व कि नहीं? कौन से साल को कर रहे हैं हम सॉल्व? 2018 में मंथली सैलरी गिवन है कितनी? 70,000 और डियरनेस अलाउंस भी मंथली गिवन है और प्रोविडेंट फंड की जो बातें हैं वो एनुअल गिवन है, ऐसी है ना? अब देखिए हमने सबसे पहले 2018 पे चलते हैं, 2018 पर आगे। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 840,000 तक पहुंच गए सब लोग। ओके, डियरनेस अलाउंस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,20,000 यहां तक पहुंच गए। अब जस्ट टू प्रोवाइड मैक्सिमम डिस्क्लोजर टू द एग्जामिनर, हमने लिखा एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन और लिखा नो ट्रीटमेंट, क्योंकि एम्प्लॉई की ट्रीटमेंट ना करने के कोई मार्क्स होंगे ना तो एग्जामिनर यहाँ टिक लगा के हमें वो 1/2 या जो भी मार्क्स एलोकेट हुए हैं वो दे सके, ठीक है ना? फिर हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पहले उठाना है एम्प्लॉयर ने पैसे दिए कितने एक्चुअल, 1,26,000। अब देखना है दे कितने सकता था, बात का फ्लो समझना है। फिर आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा सर इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट तो वहीं से ही समझ आएगा ना कि फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले क्या पिक करना है, एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले हैं, 1,26,000। अब देखना है इसकी लिमिट क्या थी, तो पता चला यार एक लोअर ऑफ 10% ऑफ डियरनेस अलाउंस प्लस बेसिक सैलरी, इन दोनों का टोटल लगाया 9,60,000, इसका 10% आ गया 96% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, इसमें से छोटे वाली अमाउंट हमारी लिमिट थी। अब लिमिट से हम कितना एक्सीड किए हैं, 30,000 सैलरी में चला गया, ठीक है 30,000 सैलरी में चला गया, क्योंकि लिमिट हमने कितनी एक्सीड की है 30,000 से एक्सीड की। डन होगी बात, पिक क्या किया है, एक्चुअल पैसे डाले कितने हैं 1,26,000, इनर कॉलम में रखा है क्योंकि ये फाइनल फिगर नहीं है, फाइनल फिगर तक तो पहुंचना चाह रहे हैं। क्या माइनस करें, कितना अलाउड था, अलाउड की कैलकुलेशन हमें लॉसिक आ रहा था कि भाई एक 10% है और एक 1,50,000 है, विच एवर इज लोअर, वो कॉन्सेप्ट लगाया, पता लगा एम्प्लॉयर ने 30,000 से लिमिट एक्सीड किया, 30,000 2018 की इनकम में चला गया। डन होगी बात, अब आए इंटरेस्ट की तरफ, एक्चुअल पिक किया है कितना इंटरेस्ट है, एक्चुअल पिक किया है कितना इंटरेस्ट है 40,000, लिमिट क्या है, हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी वो तो 3,20,000 बनता है और दूसरा वर्किंग 40,000 को तकसीम किया 17% से और फिर मल्टीप्लाई किया 16% से तो ये अमाउंट आ गई 37,006 विच एवर इज हायर, 3,20,000 तक भी इंटरेस्ट होता है तो हमने कोई चीज एक्सीड, इसलिए नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। क्लियर है बात, कौन सा साल हो गया, 2018 करें जरा, अब 19 करें, अगले पेज पे करें 19 को, शाबाश, क्वेश्चन पे चला जाओ। ओके चले जनाब 19 पर चले, अब जी हाँ जी हाँ, नीचे 3,20,000 क्या होगा, वो तो लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना बच्चे, लिमिट कैसे, इंटरेस्ट की लिमिट कैसे निकलती है, नंबर वन 16% बैलेंस पर, नंबर टू 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक सैलरी हो गई कितनी, डियरनेस अलाउंस, पैसे एम्प्लॉय ने कितने डाले हैं,
144,000 आगे लिख दिया नोटेड, ठीक है। और एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले हैं, आगे लिख दिया 10 ट्रीटमेंट, ठीक है। 9 के बाद 10 ही आएगा ना, 9 के बाद 10 नहीं आएगा, लेकिन 10 को दसना पड़ेगा, कैसे आएगा, ठीक हो गया। ओके जी, बैठना किसी ने नहीं है, आपने सॉल्व करना है, बैठना किसी से नहीं है। ये अभी अभी वंस फॉर ऑल मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा अगर ये वाला सवाल सॉल्व कर लेंगे। दोबारा आपको कभी नहीं प्रोविडेंट फंड को टच करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी 80,000 से चलेगी और डियरनेस अलाउंस 15,000 से चलेगा। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 144,000 एम्प्लॉयर ने डाला है, ऐसी है ना। लिमिट क्या थी, लोअर ऑफ इनका 10%, इन दोनों का टोटल लगाया 11,40,000 आ गया, उसका 10% लिया तो 1,14,000 एक रेफरेंस पॉइंट है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या है 1,50,000 विच एवर इज लोअर, तो 1,14,000 था। हमने अमाउंट एक्सीड की कितने से, 30,000 से। ये 30,000 ही आ रहा है, ओके। फिर आ गया इंटरेस्ट 60,000 हायर ऑफ, पहले बैलेंस कैलकुलेट करा, बैलेंस कैलकुलेट की, पहले डीएनएस का मैंने 1/3 कैलकुलेट कर दिया, फिर बैलेंस कैलकुलेट किया 60,000 डिवाइडेड बाय 17% मल्टीप्लाइड बाय, तो अभी तो बहुत हम लिमिट से पीछे खड़े हैं, तो नो ट्रेड में, ठीक होगी बात ना। अगर किसी अमाउंट पे टैक्स बनता था तो 2019 में हमने दे दिया, अगर किसी अमाउंट पे टैक्स बनता था तो 2018 में दे दिया है। अब आते हैं 2020 से। अब ये सवाल भी दो हिस्सों में चल रहा है, 2020 दो हिस्सों में बटा हुआ है। रिटायर बंदा कब हुआ है, 31 मार्च को, 31 मार्च तक का जो सवाल है वो तो कंटिन्यूड है, वहां एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी देखनी पड़ेगी, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी देखनी पड़ेगी, सारा कुछ देखेंगे ना। और फिर वो कह रहा था कि इस साल में उसको सारे पैसे मिल भी गए हैं, ठीक है ना। इसको देखते हैं पहले, पहले यहां तक की बात को सॉल्व करें, आप यहां तक की बात को उसी तरह सॉल्व करें जैसे ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब आप 31 मार्च को रिटायर हो गया है तो मल्टीप्लाइड बाय 9 हो रहा होगा, इकतीस मार्च को रिटायर हो गया ना, तो अप्रैल मई और जून की सैलरी तो नहीं आएगी ना, मल्टीप्लाइड बाय 9 तो करेंगे ना। अब मल्टीप्लाई अभी देखते हैं ना, इसीलिए तो, इसीलिए तो सोचा ना, नहीं उस पर प्रोरेटा नहीं डालना, अभी बताते हैं यही बात समझाने के लिए। जाहिर है डीएमएस अलाउंस भी मल्टीप्लाइड बाय 9 से ही आएगा ना, 90,000 की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 9, 20,000 का डीएमएस अलाउंस मल्टीप्लाइड बाय 9। इसके लिए तो डायलॉग बोल रहे थे कि मक्खी पे मक्खी नहीं मार के आ जानी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब ये सवाल कर लेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा इंदा। अब अगली बात आई, अभी सवाल हम रिटायरमेंट के पैसे मिलने से पहले का सॉल्व कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय ने कितनी डाले, नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर ने कितने पैसे डाले हैं।
अब ये सोचने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर मंथली डाल रहा है, उसने कहा यार 121,000 डले हैं इस साल, ये तो डल चुके हैं ना, इसको टाइम अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो साल के पहले दिन पैसे डाल देता है एम्प्लॉयर। सवाल ने कहा है कि यार 2020 में कितने पैसे डले, 121,000 500 एम्प्लॉय ने भी इतने ही डाले हैं, इसको मल्टीप्लाई तो हम पहले भी नहीं कर रहे थे, ये तो एनुअल आ रहे थे। अगर ये ट्रीटमेंट आ रही होती मंथली, वो कहता है एम्प्लॉयर हर महीने 5,000 रुपया डाल रहा है, फिर ये भी मल्टीप्लाइड बाय 9 हो रहा होता। अगर ऐसे मंथली होता तो फिर ये भी 12 से मल्टीप्लाई होता, ये भी 12 से होता और फिर ये 9 से होता, क्योंकि ये तो टोटल चार्ज गिवन है, ठीक है ना, टोटल चार्ज गिवन है, इसलिए ये पहले ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो यहां भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। हाँ, इसकी जरा देखिएगा खुद ही, बाई डिफॉल्ट कहां ट्रीटमेंट गई, हमारे पास 121,500 आ गया। अब लिमिट कैलकुलेट करनी है, 1/10 ऑफ बेसिक, लेकिन बेसिक सैलरी अब ये 9 माह वाली उठानी पड़ेगी, इन दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया, 9,90,000। अब देखें लिमिट में खुद ही बाई डिफॉल्ट 9 महीने का इंपैक्ट चला गया, जितना अरसा आपने जॉब किया उतने अरसे का इंपैक्ट चला गया, ठीक है ना, और दूसरा आ गया 1.5 लाख, तो 99,000 जो है वो लिमिट थी और हमने पैसे 22,500 एड ज्यादा किए हुए हैं, तो दैट रीजन एक्सेस अमाउंट कहां चली गई है, इनकम में चली गई। ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, नाउ इंटरेस्ट 58,000, फिर वही 9,99,000 खुद ही, 9,90,000 खुद ही आ गया, और जितना पैसे मिले थे उसको तकसीम किया, मल्टीप्लाई किया, लिमिट बहुत ऊपर है, हम बहुत नीचे खड़े हैं अभी, तो नो ट्रीटमेंट। यहां तक का जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, जरा मेरी बात पे तवज्जो दें, यहां तक का सवाल जब आप सॉल्व कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कह रहा था कि ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब चल रहा है। अब उसने कहा कि बंदा रिटायर हो गया और इसको सारे पैसे मिल गए हैं, ठीक है ना, कौन से पैसे मिल गए, प्रोविडेंट फंड के कितने पैसे मिले हैं इसे, कितने पैसे मिले इन सारों का टोटल तीनों सालों का, 126 ये, 126 ये, 40 ये, 144 ये, एक ये, एक ये, एक ये, इन छह वो इन 9 अमाउंट्स का टोटल यही मिला है ना इसे, इसके पैसे इतने ही अकॉमुलेट हुए थे, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि ये कौन से फंड से इसका ताल्लुक था, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से इसका ताल्लुक था, तो जो अमाउंट मिली है उसको क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि सारी अमाउंट तो पहले टैक्स हुई हुई है। लेकिन अब यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ऑन रिटायरमेंट और आगे लिखेंगे एग्जेम्प्ट, आगे लिखेंगे एग्जेम्प्ट, नो ट्रीटमेंट नहीं, एग्जेम्प्ट, क्योंकि अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगना। ये कितनी अमाउंट आ रही है, 9,41,000, ये 9,41,000 की फिगर यहां आएगी हमारे पास, और फिर लिखेंगे एग्जेम्प्ट। ऑब्वियस ही बात है, ये तो प्रोरेटा बेसिस पे उसने दी नहीं हुई ना, टोटल कंट्रीब्यूशन दी हुई है उसने, जो पैसे डल चुके हैं वो बताए गए हैं, इसलिए प्रोरेटा लगाने की जरूरत नहीं है। Obviously, ये 9 मंथ की है। और सर, अगर इस तरह से केस हो कि जो है एम्प्लॉय उसने खुद रिटायरमेंट की हो, बेशक उसके रिटायरमेंट की साल नहीं बदली और एम्प्लॉयर ने साल के शुरू में ही पूरे के पूरे 12 महीनों की जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन डाल दी, तो सर इसमें क्या करें, फिर भी ऐसे ही चलेंगे, जो कंट्रीब्यूशन डली हुई है उसी तरह ही लेंगे। बट डल गई, अगर अगर वो कंट्रीब्यूशन डली हुई है और एग्जामिनर ये नहीं बता रहा हमें, अगर अगर एम्प्लॉयर कोई जरा बड़ा छोटे दिल का होगा तो उसे काट लेगा पैसे, जब काट लेगा तो फिर यहाँ आ ही नहीं रहा होगा, फिर डाटा खुद ही अपडेटेड आएगा कि इतने पैसे इस साल के डले, या फिर मंथली बता देगा,
जी सर, ये जो तीनों इयर्स का फाइनल अमाउंट होगी वो तीनों इकट्ठे करेंगे? हाँ, पैसे तो मिले हैं ना, उसने इसीलिए लिखा था ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी वेयर द प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज एंड ही हैज रिसीव्ड द होल अमाउंट फ्रॉम द फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसका मतलब है 31 मार्च को इसको ये कितने का क्या टोटल आया? 9,41,000। तो 941,000 यहाँ कहीं शो भी कर देंगे कि ये 941,000 जो है ये हमारे एग्जेम्प्ट हो गए हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, और आगे लिखेंगे 941,000 और यहाँ लिख देंगे एग्जेम्प्ट। ठीक होगी बात? अब जरा सा सबर आजमा काम है। एक मरतबा आपने घर जाकर क्या करना है, ये 3 साल हमने सॉल्व कर लिए, अब हम क्योंकि जाहिर है कॉन्सेप्ट को कम्प्रीहेंसिव देखना चाहते हैं, हमने दोबारा सेम सवाल ले लिया, सेम फिगर्स उठा ली, लेकिन नीचे का कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम अज्यूमिंग ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी वेयर प्रोविडेंट फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज एंड ही हैज रिसीव्ड द होल अमाउंट फ्रॉम द फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब बाकी कैलकुलेशन तो हो रही होगी ना, 2020 में सैलरी तो लगाएंगे ना, लेकिन यहां आ रहा होगा प्रोविडेंट फंड अमाउंट रिसीव्ड 9,41,000। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे, लेस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन का टोटल निकालें जरा, पिछले 3 सालों का सवाल से निकालें, आपके पास स्लाइड उसमें भी तो आ रही भाई, मोबाइल में भी तो आ रही ना। ये फिगर मुझे गलत लग रही है, मैं इसलिए इसे वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। सही है ये, पक्की बात है? अच्छा नहीं, आप ट्रैप हुए। अच्छा ठीक होगी बात। अब हमने इसमें एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन 3 सालों का टोटल किया है, ठीक है ना, वो कितना आ रहा है, 3,91,000 माइनस किया 9,41,000 में से, बाकी की अमाउंट क्या है, या एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट है जो कि टैक्सेबल है इन द ईयर ऑफ रिसीट। बात समझ आई है कि नहीं आई? अब हमारी टैक्सेबल इनकम इस पे चल रही है, लेकिन जब हम 2019 में जाएंगे तो यहां प्रोविडेंट फंड में नो ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा अनरिकॉग्नाइज्ड की वजह। 2018 में जाएंगे तो यहां भी विल बी टैक्स व्हेन रिसीव्ड। बात समझ आ रही है? ऐसे चला है अब आपका ये प्रोविडेंट फंड, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है प्रोविडेंट फंड। क्लियर होगी बात? 2018 में नो ट्रीटमेंट, 2019 में नो ट्रीटमेंट, 2020 में जितनी अमाउंट रिसीव की है उसमें से एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, रिमेनिंग विल बी टैक्स। एक दफा वन गो में टैक्स हो रही है। ठीक होगी ना बात? अच्छा यहां हो सकता है अभी आपको ना कहीं आई कैप की किताब में लिखा हुआ नजर आया कि इसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा, अभी हम रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा टैक्सेबल इनकम में शामिल हो रही है, ठीक है ना। फिर हमने इस सवाल को फिर रीड्राफ्ट किया, ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ही हैज रिसीव्ड द होल अमाउंट फ्रॉम द फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो 2020 में सैलरी तो 9 माह की लेंगे, ये सारा कुछ चलेगा, लेकिन प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट लिख देंगे, 2018 में भी 19 में भी एग्जेम्प्ट लिख देंगे, 2018 में भी एग्जेम्प्ट लिख देंगे। कुछ बात समझ आई है? अब अगर तो आपने ये सवाल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला 3 साल घर जाके दोबारा सॉल्व कर लिया, प्रोविडेंट फंड में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर रहे होंगे ना, तो हम जाहिर है जब हम सवाल पे पहुंचेंगे, बड़े एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हम प्रोविडेंट फंड को ना उस वक्त जबानी डिस्कस कर रहे होंगे कि यार ये ऐसे हो जाएगा, और उस बच्चे के अंदर से एक आवाज आ रही होगी यार सर सॉल्व कर दें, बिकॉज उसने अपने हाथ से फॉर्मेट गुजारा नहीं है ना। ये फॉर्मेट आपने सीखना है। इस वक्त हम सिर्फ एक बात सीख रहे हैं, पढ़ने में समझ आ गई है, करने में सवाल कैसे करना है वो डिस्कस हो रहा था
अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वॉज द एप्रोप्रिएट प्लेस जहाँ से आपने उसको सीखना था। बाकी तो उसके साथ ट्रीट करके आप सिर्फ सॉल्व हुआ हुआ भी ले लेंगे ना तो वहाँ से हो जाएगा। सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है वहाँ से आपने सीखना है क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ आ रही है। इसीलिए सबसे पहला सवाल कौन सा बनाया था, वेयर द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि यहाँ से वर्किंग पैटर्न आपको समझ आएगा। जैसे कि 2000 फर्ज कर ले 19, तो आपको पता चला क्योंकि ये पूरा साल है मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, और अब हमने एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे तो नो ट्रीटमेंट लिखना है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन उठानी है, फिर लिमिट कैलकुलेट कर। एक है 10% और दूसरा है 1.5 लाख, फिर इन दोनों में से माइनस कौन सी करनी है, विच एवर इज लोअर। यहां से अमाउंट अगर एक्सीड हुई है तो पता चल जाएगा, और अगर एक्सीड हुई है तो वो हमारी सैलरी में ऐड हो गए। यहां से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये साथ साथ टैक्स हो तो गई है, अब जब अमाउंट मिलनी है उस वक्त कौन सा टैक्स लेना, ठीक होगी ना बात। तो ये ऐसे 2018 2019 2020 की जब आप कैलकुलेशन एट द सेम टाइम करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन होगा जब भी जब आप अपने हाथ से करेंगे, ये सुनकर नहीं होगा, ठीक है ना, ये सुनकर नहीं होगा, ये करने से होगा। इसी तरह इंटरेस्ट की सेम पैटर्न है, हमने एक्चुअल इंटरेस्ट उठाया फिर लिमिट कैलकुलेट किया। अब लिमिट जहन में आ रही है कि विच एवर इज हायर, किसका हायर, एक तो 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस 16% ऑफ द बैलेंस। अब ऑफ द बैलेंस तक पहुंचने के लिए हमें तकसीम करना पड़ गया और फिर उसका 16% लिया, तो पता चला विच एवर इज हायर, तो हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो इस लिमिट से बहुत नीचे है। हाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जी इसमें से ये माइनस किया तो माइनस आंसर आ गया, नहीं, लॉ सिर्फ पॉजिटिव आंसर को कंसिडर करता है, माइनस को नहीं करता। वो ये नहीं कह रहा कि जनाब 60,000 में से माइनस करें 3,80,000, तो पता लगा 3,20,000 फिर माइनस होना चाहिए, इन्होंने कहते माइनस नहीं, हम एडिशन पढ़ा रहे हैं, सैलरी में कुछ ऐड होना है तो हो रहा है, और अगर हमें कोई बेनिफिट हो रहा है, मतलब हम ये क्लेम लेके चले गए कि जनाब एम्प्लॉयर ने हमें कम इंटरेस्ट दिया है तो हमारा नुकसान हो गया 3,20,000 का, तो गवर्नमेंट क्या करे, उसने कहा कुछ ना करे, हम 3,20,000 नहीं मांग रहे, हमारी इनकम में से 3,20,000 माइनस कर दे। वो कहते अड्डा तू शोखा परा हो जा, ठीक है ना, वो हम तो आपको एडिशन बता रहे थे कि हमने टैक्स किस अमाउंट पर लेना है, ये नहीं कह रहे थे कि 3,20,000 फिर हम छोड़ देंगे। भाई हम क्यों छोड़ देंगे, एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट नहीं दिया बात नहीं है। यहां ही वो बात समझें कि ये वाला जो एम्प्लॉय था, ये वाला जो एम्प्लॉय था, ये कह रहा है अपने एम्प्लॉयर को कि यार देखो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है ना, आप फंड मेंटेन कर रहे हो, आप मेरा 1/26 भी काटें अपना 1/26 भी दें, मेरे फंड में 40,000 ना डालें, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। एक कंपनी फंड मेंटेन कर रही है, एक एम्प्लॉय कहता है कि यार देखें भाई इंटरेस्ट हराम है, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, आप मेरी सैलरी में से 1,26,000 काटें, आप कंट्रीब्यूशन 1/26 दे रहे हैं, बस मेरा फंड यही है, इसमें जो ग्रोथ आई है ना 40,000 की, ये नहीं मैंने लेनी। इस बंदे का जिक्र हो रहा था वहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन में कि अगर ये बंदा, अब जरा इसके इसका गौर करें, ये यहां से टोटल लगाएं इंटरेस्ट के बगैर यहां तक का लगाएं, शाबाश, इन 3 सालों का टोटल लगाएं, प्रिंसिपल का 7,83,000, हम अज्यूम करते हैं ये 18 लाख रुपया था इस वक्त, ठीक है ना, ये बंदा लोन एम्प्लॉयर से 12 लाख का, इसके बारे में वो वाली एग्जेम्पशन लिखी हुई थी कि अगर इस बंदे को हम 12 लाख का 15 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो ये इसके ऊपर वो प्रोविजन नहीं लगेगी सब्सिडाइज लोन वाले। अब बात समझ आई है, उस वक्त हमने इसे पार्क कर दिया था कि यार इस बात को भी यहां डिस्कस करेंगे तो सही समझ नहीं आनी है, इस बंदे का जिक्र हो रहा था। लेकिन जो ये सवाल है, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए
वो कहे जनाब इस बंदे के कितने, ये सारा टोटल कितना आ रहा था, 9,41,000। वो कहता जी 9,41,000 तो इसका फंड में पड़ा है। नहीं फंड में पड़ा नहीं, देखना देखना फंड पर इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता। बात समझ आ रही है? अगर ये इस फंड पर इंटरेस्ट नहीं लेता तो तब हमने एक प्रोविजन पढ़ी है कि इसके ऊपर सब्सिडाइज लोन वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। बात समझ आई है? अच्छा यहाँ ये लिखा नहीं हुआ, ठीक है ना, ये एक डिस्कशन की बात है। उसूलन इसका मतलब यही बनता है, लेकिन मैंने इसीलिए देखें आपको प्रोविजन पर ले गया हूँ। हम जरा प्रोविजन ओपन करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन की ये प्रोविजन पढ़ रहे थे ना हम। यहाँ हमने कहा था वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट मेंटेन विद एम्प्लॉयर। वो कहता है कि कौन है ऐसा बंदा जिसने इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है ना, वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय। वेवर ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉय ने दिया कि यार आप मेरे अकाउंट में भाई इंटरेस्ट ना डालना। अब अगरचे इसकी रूह यह है कि जितने पैसे वहां पड़े हैं उतने पैसे तक का लोन अगर ये ले तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन यहां ये बात इंटरप्रिटेशन है, हम ऐसे ही सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना, लेकिन लिखा ऐसे नहीं हुआ है। कुछ लॉ है ना जिसमें अभी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है। बात समझ आ रही है? तो एग्जामिनर अभी इस आपके वाले लेवल पे इतनी बारीकी में नहीं जाएगा, वो ज्यादा बैलेंस मेंटेन करेगा या बैलेंस बताएगा ही नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे इससे ज्यादा ही बैलेंस था। सिर्फ इतना बताएगा कि एम्प्लॉई अपने बैलेंस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसलिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। अच्छा जरा वैसे भी सोचें, एक नेचुरल वे में सोचें, एक एम्प्लॉई नया नया आया है, अभी उसके प्रोविडेंट फंड में ना बस थोड़े से पैसे पड़े हैं 25,000 रुपया। उन्होंने कहा सर मैंने इस पर इंटरेस्ट नहीं लेना। थोड़े दिन के बाद उसने कहा जी मुझे लोन दे दें 25,00,000 रुपये का, क्योंकि मैं तो बड़ा मुत्तकी आदमी हूं तो मेरे से तो इंटरेस्ट नहीं लेना आपने। नेचुरली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार बाजा जो तुम फिल्में हमें करा रहे हो, अभी 25,000 पड़ा है वहां तुम्हारा और तुम्हें 25,00,000 लोन दे दें। हाँ ये बात ऐसे होती, यहाँ 25,00,000 पड़ा है और वो लोन चलो 15,00,000 मांग रहा है, क्योंकि 10 से ऊपर जाए ना ताकि ये प्रोविजन की जरूरत पड़े। अब हम सोचेंगे यार इस बेचारे, ये तो अपने पैसों में से ही पैसे ले रहा है और ये मुत्तकी आदमी है, इसको 0% पे भी दे दो तो FBR वालों को भी थोड़ी शर्म आ गई है। आती नहीं होती वैसे, आ गई है, कहते यार इससे इसके ऊपर प्रोविजन नहीं लगाते। बात समझ आई? दो एक्सेप्शन थी ना, एक वो लोग जिनकी अमाउंट ही 1,000,000 से कम है ताकि आम आदमी इस प्रोविजन से निकल जाए, और एक ये प्रोविजन ताकि जो इंटरेस्ट से बचना चाहता है वो भी इस प्रोविजन में ना आए। लेकिन इसके बचने का लिटमस टेस्ट यही है कि ये अपने पैसे से कम मांग रहा हो। बात समझ आ रही है ना? कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।